नमस्ते ससरियाकाल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तान जी। मेरा नाम है बाबर सुल्तान। और मेरा नाम है सादिक। और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाजिर एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो है जी क्वेश्चनिंग द इंडियन आर्मी इज रॉन्ग, सोल्जर हैव फॉट फॉर पीस इन कश्मीर। आइए मिलकर देखते हैं जी वीडियो, फिर उस पर करते हैं अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन प्रेस करना तो मत ही भूलिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। आप आर्मी को बोल दीजिए कि आप बिल्कुल, हमें ये नहीं पसंद है कि आप पॉलिटिक्स में घुसे। उनका इंटेंट था ही नहीं कि वो पॉलिटिक्स में घुसे। आपको क्या लगता है कोई यहां पे ब्रिगेडियर साहब या जनरल साहब अपने खादी कुर्ता पहन के क्या चुनाव के लिए लड़ने, लोकसभा के चुनाव लड़ना उन्होंने, क्या उनका ये इंटेंट है? उनका सिर्फ ये इंटेंट है कि लोगों को एजुकेट करें। इनको इफ्तार की पार्टीज के लिए बुलाया जाता था और वहां पे बैठ के, जस्ट इमेजिन, हम लोग तो इतने बड़े सेक्युलर थे, हम लोगों ने बोला कि इतना फ्रीडम है इंडिया में कि कोई बात नहीं, आप हमारे, हमसे पैसे लो, ऐसी कोई गलत बात नहीं है, आप हमसे पैसे लो, आप दिल्ली आओ, आप हमारे खिलाफ पाकिस्तानियों के साथ बैठ के साजिश करो, कोई बात नहीं, हम तो बड़े फ्री हैं यार, कोई दिक्कत थोड़ा है। बिना सिक्योरिटी के श्रीनगर की सड़कों में घूम के दिखाओ एक घंटा। जैन दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, एक आर्टिकल था और उस आर्टिकल पढ़ के मेरी दिमाग की बजी घंटे। हरिंदर बवेजा एक बहुत पुरानी जर्नलिस्ट हैं, राइटर हैं, और उनके खास किस्म के व्यूज़ हैं जिससे मैं अग्री नहीं करता। और मुझे ऐसा लगता है कि लोग यार फौज के बारे में, भारतीय सेना के बारे में कमेंट पास कर देते हैं, परिपेक्ष कंटेक्स्ट उनको समझ में नहीं आता, राइट? और आज मैं वो कंटेक्स्ट समझाने की कोशिश करूंगा। वो कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो परिपेक्ष है क्या एक्चुअली? दो तीन बातें हैं। ये आर्टिकल आया, इसमें एक सेमिनार इंडियन आर्मी ने बोला था कि साहब हम एक सेमिनार करना चाह रहे हैं, वो प्लान था सेमिनार, और वो जो सेमिनार था उसके बारे में मैं आपको बताता हूं, फिर मैं आपको एनालाइज करके बताऊंगा। सेमिनार ये था, नेविगेटिंग लीगल फ्रंटियर्स, अंडरस्टैंडिंग इंडियन पीनल कोड 2023 एंड द क्वेस्ट फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में इंडियन आर्मी ने करा, तो इसके ऊपर साहब काफी बैकलैश हो गया, काफी बवाल हो गया, और लोगों ने बोला कि साहब आर्मी जो है वो पॉलिटिकली सेंसिटिव मैटर्स में पढ़ना नहीं चाहिए आर्मी को, और पॉलिटिक्स में पढ़ना नहीं चाहिए आर्मी को। ठीक है जी, पहली बात तो ये है। दूसरी चीज, फिर उन्होंने उमर अब्दुल्ला का ट्वीट है, ये ट्वीट आप देख सकते हैं, इज इट अप्रोप्रिएट फॉर दी आर्मी टू गेट इन्वॉल्व इन डिवाइसिव इश्यूज ऑफ द यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड दैट टू इन अ सेंसिटिव एरिया लाइक कश्मीर। देयर इज अ रीजन द इंडियन आर्मी हैज रिमेंड ए पॉलिटिकल एंड ए रिलीजियस। दिस इल एडवाइज्ड यूसीसी सेमिनार इज अ थ्रेट टू बोथ दीज बेसिक टेनेंट्स। Going ahead with this risks opening up the army to charges of getting involved in the murky world of politics coupled with interfering in religious matters. Bakwas, sara ka sara. Ab main aapko batata hu issue kya hai dosto. Ye kehte hain fauj ko politics mein involve nahi hona chahiye. Ye baat main bhi kehta hu, ye baat har ek fauji kehta hai. Ye har ek fauji kehta hai. Right? Aur हमें भी बचपन से यही सिखाया गया, और बिल्कुल ठीक है। मैं पहले आपको यह बताता हूं कि फौज राजनीति के बारे में कुछ न बोले, यह बात शुरू कहां से होती है। यह पहले भारत में ऐसा नहीं होता था, ठीक है जी। ये जब अंग्रेज आए भारत में, तो अंग्रेज अपने साथ एक स्ट्रक्चर लेकर आए, और भारतीय सेना का काम क्या था, और भारत में पहले एक टाइम था, राजे महाराजे जब थे यहां पे या पहले भी, सेना और पुलिस अलग अलग नहीं होती थी। मैं आपको थोड़ा सा इतिहास बता रहा हूं तो आप समझ जाएंगे क्या है। सेना और पुलिस अलग अलग नहीं होती थी, सेना ही पुलिस का काम करती थी एक टाइम पर, बहुत पहले, जब इंडियन आर्मी नहीं थी, जब ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आई थी, तब की बात। जब 1857 की क्रांति हुई, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, हमारी आजादी, हमारी स्वतंत्रता की जो पहली लड़ाई थी वो 1857 की थी, जिसमें सब आ गए, उसमें सिपाही ज्यादा थे और वो सब आ गए, और लोकल्स के साथ मिलकर उन्होंने अंग्रेजों को अच्छी तरीके से खदेड़ा। उसके बाद एक प्रॉपर, जिसको कहते हैं कि फिर उसके बाद क्या हुआ कि दोस्तों कि यू नो जो शासन था वो ईस्ट इंडिया कंपनी से चेंज होके वो क्राउन का हो गया, यानी कि ब्रिटेन के राजा का डायरेक्टली अंडर भारत आ गया, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर था। तो इसके आने के बाद इसको, पुलिस को अलग कर दिया, फौज को अलग कर दिया, ये सब हुआ, और वो 1861 का पुलिस एक्ट जो आज भी चल रहा है भारत में, अनफॉर्चुनेटली इतने शताब्दी के बाद अब भी, तो वो लिखा गया
और फिर वो लागू हो गया। ठीक है जी, ये क्यों कहते थे शुरू में कि फौज को पॉलिटिक्स में या राजनीति में नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि उस समय राजनीति थी आजादी की। मैं सिर्फ कॉन्टेक्स्ट में ये नहीं कह रहा कि फौज को पढ़ना चाहिए, मैं भी इस चीज को नहीं मानता कि फौज को, मैं ये कह रहा हूं कि फौज को बिल्कुल भी राजनीति से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, मैं खुद ये कहता हूं, लेकिन मैं आपको परिपेक्ष समझा रहा हूं। अंग्रेज इसलिए नहीं चाहते थे कि उस समय की जो सेना थी भारत की, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी, बाद में वही 47 के बाद आजादी के बाद इंडियन आर्मी बनी, वो किसी भी प्रकार की पॉलिटिक्स में कुछ अपनी राय भी दे। कारण यह था कि उस ब्रिटिश इंडियन आर्मी में 95% तो हिंदुस्तानी थे, 95% हिंदुस्तानी थे। जाहिर सी बात है दोस्तों, जब वो लोग पॉलिटिक्स की बात करते तो कौन से पॉलिटिक्स की बात करते, कोई ब्रिटेन की पॉलिटिक्स की बात थोड़ा ना करते, इंग्लैंड की पॉलिटिक्स की, वो तो भारत की पॉलिटिक्स की बात करते। फिर वो बात करते शहीद भगत सिंह की, फिर वो बात करते चंद्रशेखर आजाद जी की, फिर वो बात करते राम प्रसाद बिस्मिल जी की, फिर ऐसी ऐसी बातें होती जिनसे अंग्रेजों को बड़ा डर था। तो अंग्रेजों ने बोला नहीं, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तुम कुछ नहीं करोगे, ये वो दुनिया भर का तामझाम। जो छावनी का भी कॉन्सेप्ट आया, कैंटोनमेंट, आपने देखा होगा फौजी अलग रहते हैं, उसके भी कई सारे कारण थे, किसी और दिन मैं आपको बताऊंगा कि छावनियां बनी क्यों। आपने देखा ना ज्यादातर शहर में कैंट है और फौजी अलग रहते हैं, क्यों, उसके पीछे भी बड़ा प्रैक्टिकल कारण था, वो कारण वाला वो आज भी इट इज प्रैक्टिकल, बट वन ऑफ द रीजंस, कई सारे कारण थे, एक रीजन ये भी था कि लोकल पॉलिटिक्स से और सिविलियन से फौजियों को दूर रखा जाए, ये कारण था। अच्छा दोस्तों, अब हम आते हैं मेन पॉइंट पे कि इन्होंने बोला कि फौज ने ये यूसीसी, पहली बात थी यूसीसी के ऊपर सेमिनार नहीं था, ये इंडियन पीनल कोड के ऊपर सेमिनार था, उसमें यूसीसी का भी डिस्कशन होना था और ये कश्मीर में हुआ, तो सब लोगों को इसलिए खुजली मची, इसमें बहुत ज्यादा उमर अब्दुल्ला को और हरिंदर बवेजा जी को भी इसलिए खुजली मची, बोला कि फौज जो है वो पढ़ रही है पॉलिटिक्स में। ओ भाई, अगर तुम्हें इतनी फिक्र थी, मैं इनसे पूछ रहा हूं, अगर तुम्हें इतनी फिक्र थी कि फौज लोकल चीजों में पढ़ रही है पॉलिटिक्स की चीज, पॉलिटिक्स का क्या मतलब है दोस्तों। ये कहते हैं कि जो पॉलिटिक्स है, जब कोई नेता जीत कर आता है तो फिर उसका काम क्या होता है, लोगों की सेवा करना। अब दोस्तों कश्मीर की बात ले लीजिए, जो अब्दुल्ला परिवार है या मुफ्ती परिवार है, इन लोगों ने तो कभी आम कश्मीरी की सेवा करी नहीं, ठीक है, इन्होंने खुद अपने परिवार अपने खानदानों की सेवा करी। ये उमर अब्दुल्ला जो इतना चिल्ला रहे हैं, इन्होंने भी अपने परिवार की सेवा करी, इनके पिताजी फारूक अब्दुल्ला साहब, उन्होंने भी अपने परिवार की सेवा करी, और उनके पहले इनके दादाजी उमर अब्दुल्ला के दादाजी राइट शेख अब्दुल्ला, उन्होंने भी परिवार की सेवा करी। तो ये जो है ये पूरा परिवारवाद वाला मामला है, और वही परिवारवाद वाला मामला महबूबा मुफ्ती के साथ है, उनके वालिद साहब, ही वॉज ऑल्सो चीफ मिनिस्टर, ही वॉज अ होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इन लोगों ने कभी कश्मीर का ध्यान नहीं दिया। तो कश्मीर में आज की तारीख में दोस्तों आर्मी गुडविल स्कूल्स चलते हैं, 2 से लेकर 3 दर्जन, पता नहीं कितने आर्मी गुडविल स्कूल चलते हैं, जहां पे बच्चों को फौज पढ़ाती है। क्या आम लोगों को एजुकेशन देना फौज का काम है कि सरकार का काम है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आर्मी पॉलिटिक्स में ना पढ़े, बिल्कुल ना पढ़े, मैं खुद चाहता हूं एज अ एक्स आर्मी पर्सन, एज अ वेटरन, मैं खुद चाहता हूं कि फौज का कोई पॉलिटिक्स से दूर दूर का रिश्ता ना हो। जब कश्मीर डूब रहा था फ्लड्स में तो किसने बचाया, जब आतंकवादियों के हमले हो रहे थे तो कश्मीरियों को किसने बचाया, वो कौन था जिसने अपनी छाती पे गोली खाई और इस देश की कश्मीर में रक्षा करी, वो कौन है जो टूटे ब्रिज बनाता है, वो कौन है जो टूटी रोड बनाता है, वो कौन है जो लोगों को जाके गांव गांव पे दवाइयां देता है, ये तो फौज का काम नहीं है भाई, ये तो आप भी मानेंगे चाहे आप फौजी हो ना हो, ये क्या फौज का काम है, ये क्या फौज का काम है दोस्तों। बात यह है कि पूरा अभी ठीक है, अभी थोड़ा सा 370-35 से हटने के बाद काफी चेंजेस आए हैं, काफी चेंजेस आए हैं 370-35 से हटने के बाद, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत ज्यादा चेंजेस जो हम सोच भी नहीं सकते, मैं तो कभी नहीं सोच सकता था वो चीजें होने लगी कश्मीर में। लेकिन यह भी बात सच है कि जो जिम्मेदारी फौज निभा रही है राइट निभा रही है, आप आर्मी को बोल दीजिए कि आप बिल्कुल हमें ये नहीं पसंद है कि आप पॉलिटिक्स में घुसे, उनका इंटेंट था ही नहीं कि वो पॉलिटिक्स में घुसे, आपको क्या लगता है कोई यहां पे ब्रिगेडियर साहब या जनरल साहब अपने खादी कुर्ता पहन के क्या चुनाव के लिए लड़ने, लोकसभा के चुनाव लड़ना, उन्होंने क्या उनका ये इंटेंट है, उनका सिर्फ ये इंटेंट है कि लोगों को एजुकेट करें, इट इज देयर सिंपल इंटेंट कि कश्मीर के जो लोग हैं, क्योंकि कश्मीर की वो व्यवस्था नहीं रही शुरू से, पिछले 30-40 साल से उस एरिया में टेररिज्म रही है, ये सच्चाई है कश्मीर की, और तो कहीं इंडियन आर्मी नहीं कर रही कि चलो यूनिफॉर्म सिविल कोड का हम हैदराबाद में समझाते हैं, या यूनिफॉर्म सिविल कोड का आप लखनऊ ले लीजिए,
हम लखनऊ में, या हम पुणे में समझा रहे हैं, या हम जयपुर में समझा रहे हैं, या हम चंदी मंदिर में समझा रहे हैं? इंडियन आर्मी तो कहीं नहीं कह रही हम ऐसा कर रहे हैं। ये खासतौर से कश्मीर, आपको ना एक कॉन्टेक्स्ट समझना चाहिए कि ये कश्मीर में क्यों हो रहा है। बात यह है कि कई सालों के लिए, कई दशकों के लिए, दोस्तों ये बात मैं आपको सच बोल रहा हूं, आप किसी फौजी से पूछ लेना, कई दशकों के लिए, लिटरली मोर देन 40 ईयर्स, इंडियन आर्मी वॉज द ओनली ब्रिज बिटवीन द पीपल ऑफ कश्मीर एंड इंडिया। दोस्तों आज मैं आपको एक ना बड़ी सख्त बात बोलने वाला हूं, थोड़ी सी कड़वी है लेकिन मुझे लगता है आपको सुननी बात पड़ेगी है, और चाहिए सुनना आपको। आपको पता है ये मुफ्ती परिवार और अब्दुल्ला परिवार ने कश्मीरियों को यह बोला कि तुम भारत का हिस्सा ही नहीं हो। 370-35 यही था, तुम अलग हो, तुम अलग हो, तुम लोग ही अलग हो, तुम्हारी सोच अलग है, तुम्हारा सब कुछ अलग है। ये बिल्कुल वही टू नेशन थ्योरी जिससे पाकिस्तान बना था, ये 370-35 से टू नेशन थ्योरी वाला ही सामान है। ये पूरा दो कौमी नजरिया जिसको कहते हैं, जिसके बेसिस पे पाकिस्तान बना ना, कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, अगर एक साथ रहेंगे तो फसाद होगा, लिहाजा इनको यू नो दे शुड बी सेपरेट कंट्रीज ऑल टुगेदर बिकॉज दे आर सेपरेट सिविलाइजेशन, सेपरेट थिंकिंग प्रोसेस। वो सोच के पाकिस्तान बनाया। यही ये लोग चूरन खिला रहे थे कश्मीरियों को, और लगातार कश्मीरियों को यही बोल रहे थे आजादी के बाद, आजादी के कुछ समय के बाद जब ये प्रॉपर 370-35 से लगना शुरू हो गया, तब इन लोगों ने लोगों को यही बताया कि तुम तो अलग हो, यू आर दी ओनली मुस्लिम मेजोरिटी एरिया इन इंडिया, तुम बिल्कुल अलग हो, अलग हो, अलग हो। काफी समय के लिए दोस्तों, मैं आपको सच बात बता रहा हूं, काफी समय के लिए इंडियन आर्मी वो ब्रिज था कश्मीरी आवाम और भारत के बीच में। दोस्तों हमारे देश में यह हमारी बदनसीबी रही है कि यासीन मलिक जैसे कातिल को, जैसे टेररिस्ट को भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी स्टेज पे आके उनको ऑनर कर रहे हैं, उनको फेलिसिटेट किया जा रहा है स्टेज पे, वो स्टेज पे बैठे हैं। ये वो देश है जहां पे कश्मीरी जितने भी अलगाववादी थे, हुरियत कॉन्फ्रेंस वाले, वो फ्लाइट पकड़ के दिल्ली आते थे सरकार के खर्चे पे, बड़े बड़े 5-स्टार होटल में रहते थे सरकार के खर्चे में, और मीटिंग जाके करते थे ये पाकिस्तान हाई कमीशन के अंदर, और पाकिस्तानी जो हाई कमिश्नर था वो उनको रिसीव करता था गेट पे, इनको इफ्तार की पार्टीज के लिए बुलाया जाता था, और वहां पे बैठ के जस्ट इमेजिन, हम लोग तो इतने बड़े सेक्युलर थे, हम लोगों ने बोला कि इतना फ्रीडम है इंडिया में कि कोई बात नहीं, आप हमारे हमसे पैसे लो, ऐसी कोई गलत बात नहीं है, आप हमसे पैसे लो, आप दिल्ली आओ, आप हमारे खिलाफ पाकिस्तानियों के साथ बैठ के साजिश करो, कोई बात नहीं, हम तो बड़े फ्री हैं यार, कोई दिक्कत थोड़ा है, संविधान अलाउ करता है यार फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आप भारत के खिलाफ साजिशें करो, कहीं और नहीं पाकिस्तानी हाई कमीशन में बैठना, ऐसा नहीं कि कहीं कॉफी शॉप में, कहीं यूनिवर्सिटी के, ना 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 ना, यू विल सिट इनसाइड द पाकिस्तानी। तो ये लोग जो है ना, तब भारत को किसने बचा के रखा, तब भारत को किसने बचा के रखा दोस्तों, तब भारत को बचा के रखा इंडियन आर्मी ने। वो इंडियन आर्मी थी जिसने सीने में छाती पर गोली खाई है, अर्स्टवाइल जेएन के स्टेट, अब तो यूनियन टेरिटरी हो गई। कारगिल कहां है? कारगिल कहां है? इट इज इन दी अर्स्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, वो जेएन के स्टेट का हिस्सा हुआ करता था, अब लद्दाख अलग हो गया है। 527 भाई चले गए हमारे, को पूछने वाला है, किसी को याद है? नहीं याद होगा। मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं, ये बकवास करना बड़ा आसान है कि फौज पॉलिटिक्स में, फौज का क्या लेना देना पॉलिटिक्स है यार, उनको दो कौड़ी का इंटरेस्ट तो नहीं है, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है भारतीय सेना को पॉलिटिक्स में। वो लोगों को एजुकेट करते हैं, और ऐसे भारतीय सेना सेमिनार करती रहती है, कभी इसके ऊपर सेमिनार, कभी, आपको पता है सुपर 30 रन करती है इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी सुपर 30 रन करती है, 30 कश्मीरी बच्चों को वो ट्रेन करती है कि तुम आईआईटी चले जाओ, इंडियन आर्मी करती है ये। इंडियन आर्मी का कंपनी कमांडर, राष्ट्र राइफल्स का कंपनी कमांडर, वो लोगों के घर जाके उनको दवाइयां देता है। ऑपरेशन सद्भावना, आजकल सिर्फ सद्भावना बोलते हैं, ऑपरेशन नहीं लगाते उसके आगे, पहले ऑपरेशन सद्भावना हुआ करता था, आज भी वो सद्भावना कायम है। सद्भावना, व्हाट इज सद्भावना? सद्भावना ये है कि किस तरीके से आवाम को हम फैसिलिटेट करें। कल इंडियन आर्मी बोले कि ठीक है यार, हमने एक सेमिनार करा, तुमने तो इतना मुंह सड़ा लिया कि हम लोग पॉलिटिक्स में आ रहे, एक काम करो, स्कूल भी तुम चलाओ, स्कूल भी तुम चलाओ, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन भी तुम चलाओ, सब कुछ तुम चलाओ। दोस्तों आज की तारीख में भी अगर कोई गर्भवती महिला हो जाती है ना, कोई महिला गर्भवती और उसको कहीं अस्पताल ले जाना पड़ता है, तो इतनी बर्फ पड़ती है कश्मीर में, 10-10 फुट की बर्फ इन दी अपर रीचेस, वो आ नहीं सकती, वो और उसका बच्चा दोनों की जान खतरे में। इंडियन आर्मी के जवान अपने कंधे पर ढोकर लाते हैं, कंधे पर ढोकर लाते हैं और कहते हैं कि हमारी बहन है कोई बात नहीं, कंधे पर ढोकर लाते हैं, जिसकी छत टूट जाए उसकी छत बनाते हैं, फौज का काम है। अगर फौज का काम है तो बताओ फौज का काम है, फौज का काम है देश की रक्षा करना। कल अगर फौजी ये कह दे सर दिस इज नॉट माई वर्क,
जब दुश्मन गोली चलाएगा तब देख लेंगे, जब दुश्मन कुछ करने की कोशिश करेगा उसके हाथ पैर तोड़ देंगे, लेकिन यह हमारा काम नहीं। लेकिन फौजी करता है और फौजी 40 साल से करता चला आया है। द इंटेंट ऑफ दिस एंटायर थिंग, इन लोग तो हर चीज में ये बोल दिया, ये इनकी एक्चुअली मैं बता रहा हूं, ये जो कश्मीर के पॉलिटिशियन है ना, और हमारे कुछ जो हमारे आप जर्नलिस्ट भी कह लीजिए उनको, टाइप ऑफ जर्नलिस्ट ओनली, इनको ये कांग्रेस बीजेपी समाजवादी बहुजन समाज इससे आगे निकल, इनका दिमाग ही नहीं चलता इसके आगे, इससे आगे इनकी खोपड़ी घूमती नहीं है। इनको बस यही लगता है कि किसी तरीके से फौज ये है नहीं, फौज ने ये कर दिया। यही लोग हैं जिन्होंने आर्टिकल लिखा है, उन्हीं पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करती है जिन्होंने जनरल बिपिन रावत को सड़क का गुंडा बोला था, जिस पॉलिटिकल पार्टी ने यह क्वेश्चन करा था कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई भी कि नहीं है, जिसको सबूत गैंग कहते हैं ना कि सबूत दिखाओ, बालाकोट नहीं, 2-3 पेड़ गिर गए, 2-4 कौए मर गए, ये एक्चुअली ऐसी बातें करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो सेमिनार था इंडियन आर्मी का ये अच्छा था बुरा था, भारतीय सेना को एक करना चाहिए था नहीं करना चाहिए था, इसकी प्लानिंग अच्छी थी बुरी थी, वो बाद की बात है यार, वो बाद की बात है। मैं ये कह रहा हूं कि कश्मीर में, ये कश्मीर में करा ना सेमिनार, ये कह रहे हैं कश्मीर जैसे वॉलेटाइल एरिया, ये उमर अब्दुल्ला सिखा रहा है इंडियन आर्मी को, कश्मीर जैसे वॉलेटाइल एरिया में, ऐसे खतरनाक एरिया में, कश्मीर का खतरा तुम जानते हो कि फौजी जानता है? उमर अब्दुल्ला, मैं आपको बता रहा हूं, आप दिल्ली आओ, मैं आपको लेके चलूंगा नेशनल वॉर मेमोरियल, ठीक है, तब आपको पता लगेगा कि इंडियन आर्मी के कितने अफसर, जेसीओ साहिबान और जवान जिनके नाम खोद के लिखे गए उन पत्थरों में। आप हमें बताओगे कश्मीर कितना खतरनाक है? आप हमें सिखाओगे? एक दिन वर्दी पहनी हो, एक दिन हाथ में AK-47 ली हो, एक दिन लाइन ऑफ कंट्रोल पर ड्यूटी दी हो, एक दिन कुपवाड़ा में, हंडवाड़ा में, त्राल में, सोपोर में, पुलवामा में एक दिन की नौकरी हो तो बताओ मुझे, ये कौन लोग हैं यार जो ये ऐसी, कोई इनके मुंह के अंदर माइक डाल देता है कुछ भी बकवास कर देते हैं। ये सिखाएंगे इंडियन आर्मी को कि यार कश्मीर जैसे वॉलेटाइल एरिया में, आप सिखा रहे हो, आप बताओगे कि कश्मीर कितना वॉलेटाइल है? कश्मीर भारत का हिस्सा क्यों है? कश्मीर भारत का हिस्सा इसलिए है क्योंकि वहां पे इंडियन आर्मी है, ये पहले समझ लो। और इंडियन आर्मी को क्या फर्क पड़ता है यार यूनिफॉर्म सिविल कोड से? इंडियन आर्मी को फर्क पड़ता है, कोई नए हथियार आ जाएंगे यूसीसी जैसी अगर लागू होती है तो, हमारे कोई नए कंटोनमेंट बन जाएंगे, हमारे पास नए टैंक आ जाएंगे या नए हेलीकॉप्टर आ जाएंगे, हमारा क्या लेना देना है? हम बच्चों को एजुकेट करते हैं, डिबेट्स होती हैं। दोस्तों जब 370 35 से हटा था, खून खराबा नहीं हुआ कश्मीर में, आग नहीं लगी, इन लोगों ने तो प्रिडिक्ट कर दिया था फारूक अब्दुल्ला ने कि तिरंगे को कोई कंधा देने वाला नहीं होगा, और ये क्या कह रही थी महबूबा मुफ्ती कि बारूद के ढेर पे है, चिंगारी लगने की देर है, खून की नदियां। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। क्यों कुछ नहीं हुआ? इसलिए क्योंकि इंडियन आर्मी खड़ी है कश्मीर में और ना कुछ होने देंगे। लेकिन हर चीज में कीड़े ढूंढना यार, आई वॉज वेरी अपसेट, आज मैं बड़ा अपसेट हूं। मैंने आर्टिकल पढ़ा, मेरी नजर से गुजरा, मैंने बोला यार ये तो, ये दिल्ली में बैठे बैठे एयर कंडीशन कमरों में बैठे बैठे बकवास करते हैं लोग भारतीय सेना के खिलाफ कि इंडियन आर्मी पॉलिटिकल हो रही है। यू शुड बी ग्रेटफुल टू द इंडियन आर्मी फॉर प्रोवाइडिंग यू एंड योर फैमिली सिक्योरिटी, यू शुड बी ग्रेटफुल। मैं इनको बोल रहा हूँ, ये जो जर्नलिस्ट टाइप के फालतू आर्टिकल लिखते हैं और ये पॉलिटिशियंस, मैं उनको बोल रहा हूँ, यू शुड बी ग्रेटफुल। अगली बार किसी सोल्जर को या किसी अफसर को देखो ना, तो उसको सल्यूट करके एक बार थैंक यू बोलना, और अगर थैंक यू नहीं बोल सकते तो अपना मुंह बंद रखो। ये वीडियो खत्म होने से पहले मैं एक और बात कहना चाहता हूँ ना, ये जो उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, हर समय इनको प्रॉब्लम है इंडियन आर्मी से, हर समय इनको प्रॉब्लम है, ये कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। बिना सिक्योरिटी के श्रीनगर की सड़कों में घूम के दिखाओ एक घंटा, बिना सिक्योरिटी के, बिना सुरक्षा के घूम के दिखाओ। हाँ ठीक है, आपको सुरक्षा JNK पुलिस से मिली है, लेकिन ओवरऑल कश्मीर की जो सुरक्षा है, ओवरऑल एरिया 15 कोर दैट इज अंडर द इंडियन आर्मी एंड इंडियन आर्मी प्रोवाइड सिक्योरिटी इन 15 कोर, ठीक है। हैट्स ऑफ टू द JNK पुलिस, हैट्स ऑफ टू CRPF एंड ऑल्सो हैट्स ऑफ टू द BSF, लेकिन किसी के दिमाग में शक नहीं होना चाहिए कि कश्मीर, द इंटायर सिक्योरिटी, ओवरऑल सिक्योरिटी ऑफ कश्मीर इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ GOC 15 कोर। किसी को डाउट ना हो इस मामले में,
इट्स वेरी इजी यार, ये फौज ने ये कर दिया, फौज ने ये कर दिया, फौज ने ये, दिल्ली में बैठकर लंबे चौड़े आर्टिकल लिखते हो, लंबे चौड़े आर्टिकल, ये कर दिया, ओपिनियन पीसेस लिखे जा रहे हैं, तुम्हारा ओपिनियन है, जाओ ड्यूटी करो वहां पे, तब देना ओपिनियन, टिल देन माफ करो हमें यार। अब दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स पर। जी तो व्यूवर्स, वीडियो आपने देखा, वीडियो था मेजर गौरव आर्या का, बात कर रहे थे भारतीय फौज का एक सेमिनार होना था कश्मीर में, और उसमें डिस्कस हुआ यूसीसी, और उसको लेकर एक बवाल हुआ क्योंकि वो फिर मौका मिला बात करने का, उमर अब्दुल्ला साहब भी आ गए, वो जर्नलिस्ट भी मैदान में कूद पड़े। देखिए सियासत में फौज का घुसना किसे कहते हैं, ये आप पाकिस्तान से सीखिए, इसको नहीं कहते ये सियासत में फौज आ गई है या उसने मुदाखलत कर दी है, बिल्कुल नहीं। ऐसे बहुत सारे जो असूली मौकफ होते हैं जो कि सियासतदानों के भी होते हैं, उस पर फौज के या कोई ऐसा कोई सेमिनार हो भी जाता है उसमें पार्टी, कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल उससे लोगों को ज्यादा अवेयरनेस मिलती है कि यहाँ पे जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, जो ताकत का शोभा भी है, जो हमारी अफवाज है वो भी उसमें शामिल है, पार्टिसिपेट कर रही है, तो लोगों का ज्यादा उसकी तरफ रुझान बढ़ता है। और दूसरी बात यह है कि फौज किस तरह से सियासत में मुदाखलत करती है, किस तरह से हुकूमतें गिराई जाती है, ये आप पाकिस्तान में एक लंबा पीरियड शुरू है, और पुरानी तरीकों में हम सुनते हैं फलां मार्शल फलां, लेकिन जब हमने अपनी लाइफ में जो देखा है कि एक शख्स को दूसरे शख्स को उठाने के लिए पूरे 10 साल उसके ऊपर मेहनत की जाती है, एक एक करके उसके साथ बंदा जोड़ा जाता है, फिर उस बंदे के इक्तदार को निकाल के उस पर चोरियों के, करप्शन के, पता नहीं कितने कितने चार्जेस लगाए जाते हैं, फिर उसको यहां से जिला वतन भी किया जाता है, यहां कैद भी कर दिया जाता है, फिर एक नई पार्टी को लाके बिठाया जाता है, उसको इक्तदार दिया जाता है, और वो भी फिर नहर और इंतहाई दर्जे का नहर निकलता है, लेकिन एट द एंड क्या होता है कि वो इन्हीं के जाता जाता गले पड़ जाता है कि भाई मुझे तो तुम लोगों ने कहा था कि लंबा ही इक्तदार मिलेगा तुम्हें, ये कौन सी चीज है जो 2-2.5 साल में ही खत्म होगी। तो इसको कहते हैं सियासत में मुदाखलत, और ये मुदाखलत अब भी नजर आई 2023 के इलेक्शन में, क्योंकि इस वक्त जो उसने नैरेटिव बनाया फौज को लेकर, फौज को ऐसा करती है वैसा करती है, लोगों ने इसको भी कबूल कर लिया, हाँ हाँ बाकी सारी चीजें तो नवाज शरीफ इतनी करप्शन करता था, बेनजीर इतनी करप्शन करती थी, ये इतनी करप्शन करता था, ये सारी चीजें तो हमने पहले से कबूल कर ली, लेकिन ये वाली चीज हमने पाकिस्तानी कौम ने कबूल नहीं की कि फौज ही यहाँ के हर एक मामला को खराब करती है। तो वो नैरेटिव लोगों ने कबूल किया और लोगों ने उस पर वोट भी दिए, लेकिन फिर भी फौज ने कैसा पलटा मारा, जो हारने वाला था उसको जिता दिया, जो जीतने वाले था आज वो भी उन्हीं लोगों की तरह जेल में बैठा हुआ है। इसको कहते हैं सियासत में मुदाखलत, उसको नहीं कहते एक सेमिनार करवा दिया और हमारा सियासत से कोई और उससे फिर लेना देना, और हमारे जो दारे बड़े धड़ल्ले से कहते हैं हमारा तो कोई, हम तो अलग नहीं, न्यूट्रल हैं, हम ऐसा नहीं करते। तो यही वो सारी चीजें हैं फौज को, जितने भी असूली मौकफ हैं जो रियासत की तरफ से होते, चाहे कोई कानून ही हो, चाहे वो यूसीसी का ही कानून हो, उसके सेमिनार में शिरकत करनी चाहिए, मैं तो इसके हक में, उस पर इसमें कोई भी सियासी मामला नहीं है। ये जो अवेयरनेस थी ना वहाँ पे, जो फौज का सेमिनार हुआ था उसमें जो अवेयरनेस के लिए यूसीसी का उन्होंने वो रखा था, लेकिन बात यह है कि वो अवाम को, जिनको नहीं पता उनको अवेयरनेस देने के लिए ये जो अवाम का रुझान उस तरफ किया है, अवाम का ध्यान उस तरफ किया है कि अवाम जिनको नहीं भी पता उनको भी अवेयरनेस मिल जाए कि भाई ये चीज़ ऐसे है, ये यूसीसी क्या चीज़ है, इसे यूसीसी कहते किसे हैं, जिनको नहीं पता जो कम पढ़े हुए हैं उनको भी पता चल जाए कि हमारी फौज ये चीज़ हमें बता रही है। लेकिन वो सियासत में मुदाखलत नहीं है, सियासत में मुदाखलत वो होती है भाई जैसे पाकिस्तान में है कि एक पार्टी है वो सारे के सारे ही अपने अपने हलकों से हार जाते हैं, भारी अक्सरियत से हारते हैं, भारी अक्सरियत से, लेकिन एक वज़ीर-ए-आला बन जाता है और एक वज़ीर-ए-आज़म बन जाता है और जो दूसरा आ रहा हुआ होता है वो भाई सदर बन जाता है। ये चीजें होती हैं, ये होती है फौज की मुदाखलत। जो जीता हुआ है एक चीज, एक पार्टी हार गई दूसरी पार्टी जीती है ना, जो पार्टी जीती है उसका नामो निशान भी नहीं है, उसको उनके कैंडिडेट को कोई पूछने वाला भी नहीं है कि भाई आप जीते हुए हो, आपको कोई वजारत कोई चीज कोई, आपको हुकूमत में कोई सीट चाहिए, कोई मिनिस्ट्री चाहिए, नहीं वो उसको कोई पूछेगा भी नहीं, ना ही पूछा किसी ने। और जो हार गए भारी अक्सरियत से
उनको भाई उन्होंने जो है वो बना दिया वजीर आला और एक बना दिया वजीर आजम, यकीनों ने बना दिया। अगर ये हमारे दफाई अदारे सियासत में मुदाखलत नहीं करते तो फिर ऐसा कौन सा अदारा है जिन्होंने उन्हें जो है वो इख्तदार में, सियासत में मुदाखलत उनको खुद करनी पड़ती है कि भाई इन्होंने तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर दिया है और देखे तो फिर आगे शायद उनको भी मुदाखलत बीच में करनी पड़ती है। फिर एक चीज ऐसी है ना कि नवाज शरीफ जब लंदन में था उसकी तबीयत ठीक ही नहीं हो रही थी जब तक के उसके जितने केसेस उनको खत्म नहीं किया गया, जैसे ही वो उसके केसेस खत्म हुए हैं तो उसकी तबीयत तो भाई पहले भाई पहले मुदाखलत की गई तो मुल्क हाथ से जा रहा था तो फिर जो है ना मुशर्रफ साहब आ गए, फिर जो है ना वो मुदाखलत की गई तो मुशर्रफ साहब जो है ना वो उनको जो जलावतन कर दिया गया तो फिर जरदारी साहब आ गए, फिर जरदारी साहब ने जो है ना मुल्क तबाह कर दिया तो फिर नवाज शरीफ साहब को लेके आना पड़ा, फिर नवाज शरीफ साहब ने मुल्क तबाह करना था तो फिर जो है ना हमारे हैंडसम साहब जो है जो नहल है न खट्टू है न ठल्ले हैं सादत साहब की नजर में तो उनको उनको लेके आगे सबकी नजर में मैं भी हूँ ठीक है तो सबकी नजर में नहीं आपकी नजर में, तो चीज यही है कि वो उसको लेके आ गए ठीक है जी, तो वो मुल्क तबाह कर रहा था तो फिर जो जिन्होंने पहले मुल्क तबाह किया था अब आवाम जो है ना वो सारा कुछ देखते हैं, इसको कहते हैं मुदाखलत, इसको कहते हैं सारा कुछ। लेकिन अब देखिए कि अब वो नंगे हो रहे हैं कि आप पता चल रहा है जी कि फलां जनरल साहब थे जी उन्होंने जो मास्टर टाइल है उनको जो है ना कहा था कि भाई आपने मुझे जो है ना 90 करोड़ रुपया जो है ना वो पता देना है, नहीं दोगे तो फिर पकड़े जाओगे, उन्होंने कहा जी हम नहीं देंगे, उस वक्त के आर्मी चीफ साहब को कहा उन्होंने मामला जो है ना रफा दफा कर दिए और फिर क्या हुआ कि वक्त ने पलटा खाया कि वही जनरल साहब जो है ना वो चीफ साहब बन गए और आज मास्टर टाइल के जो वो सीईओ है वो अंदर पड़े हैं जेल में। तो कौन यहाँ पे अब जो यहाँ की मुकामी जो एक फर्म है वो निकली है मेहनत करके उसके ऊपर भी हम ऐसे करते हैं तो इसको कहते हैं मुदाखलत, इसको कहते हैं कि कोई कंपनी ऊपर नहीं आती इसलिए कोई यहाँ पे कोई ऐसा कोई ब्रांड नहीं बन पाता, जो बाय से कोई इन्वेस्टमेंट आती है तो उसके ऊपर भी हम फतवे लगाने वाले यही होते हैं जो मुदाखलत करने वाले हैं, बस उस पर फतवा लगा दिया, पीछे से कहानी वही निकलती है कि भाई आपके यहाँ हमारी पर्ची आई थी उसका जो है हमारे अकाउंट में पैसे नहीं लगे तो इसलिए हम जो है ना दिन दिन के वक्त भी जो है ना आपकी हर चीज जलवा सकते हैं, तो इसको मुदाखलत कहते हैं। लेकिन क्या करें, बुजुर्गों की कहावत है कि जो सांप से डरा है वो रस्सी से भी डर रहा होता है, तो इंडियन अवाम कहती है कहीं ये खरबूजे को देखे खरबूजा भी रंग ना पकड़ ले, तो इसलिए हमारी आर्मी को ये रहना चाहिए कि भाई ये सियासतदानों के काम है आपके करने वाले काम नहीं है, तो इसलिए वो सारा कुछ कर रहे हैं कि भाई हमारे हमसाया मुल्क का जो है हालात हम देख रहे हैं तो हमारे मुल्क के भी कहीं ऐसे ना हो जाए, लेकिन फिर भी आपकी आर्मी बहुत अच्छी है अवेयरनेस के लिए काम कर रही है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन हर जगह पे अपने अपने खदशात होते हैं, वो हर जगह पे होते हैं, हर कोई सियासत करता है। बिल्कुल जी, इंडियन आर्मी अपने हिस्से का काम कर रही है और जिस काम के लिए है वो वही काम कर रही है, उनका बजट भी माशाल्लाह से बहुत ज्यादा है तो उनको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती और वो सियासी मामलात में मुदाखलत भी नहीं करती। लेकिन यहाँ उल्टा सीन है, उसके लिए सारी दुनिया जानती है कौन क्या करता है कौन नहीं क्या करता। आई होप सो ये वीडियो अच्छा लगे आपको, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।